अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में खुश हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि मुतीबा इस वाली वीडियो में क्यों नहीं मेरे साथ, तो यहाँ पर पिक्चर आ रही है हमारे नए व्लॉग की जो कल ड्रॉप हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके चेकआउट करें, उसमें आपको रीज़न पता चल जाएगा। और वहाँ पर आपने वहाँ से सब्सक्राइब किए बगैर वापस इस चैनल पर नहीं आना, सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और फिर वापस आओ ताकि हम आपके लिए फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स ला सकें। तो फाइटर मूवी का हमने 3-4 दिन पहले टीज़र देखा था, अभी तक ट्रेलर आना उसका रहता है, लेकिन उसका फर्स्ट सॉन्ग ड्रॉप हुआ है जिसका क्या नाम है, शेर खुल गए। और ऋतिक रोशन की जब भी बात करें तो उनका डांस हम सबको पता है कैसा है, उनकी एक पर्सनैलिटी है, वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो कमाल करते हैं, ख़ासतौर पर अपने डांस के साथ बहुत कमाल करते हैं, एक्टिंग के साथ तो करते ही करते हैं। और इनका जो कॉम्बो है विशाल शेखर के साथ, तो ये भी विशाल शेखर के साथ ही कॉम्बो है और म्यूज़िक भी उन्हीं का है। और बाकी ये है कि साथ दीपिका पादुकोण होंगी। तो हमने इसका टीज़र देखा था, तो टीज़र में कुछ ग्लिम्पसेस आए थे कुछ डांस होते हुए, तो ये वही वाला सॉन्ग है और इसको देख लेते हैं। देखने के बाद फिर आपके साथ सारी डिस्कशन करेंगे, सॉन्ग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, डांस कैसा लगा। सो एंड तक साथ रहिएगा, स्टे विद अस। नाइस। ओ यार, ऋतिक की क्या बात है। हाँ, ये वाला स्टेप है। ओहो, ऐसे शेर खुल गए। मुझसे नशे में गलती हो जानी है आज तो, यारा सफलना कोई हो जाए नाराज जो। मैं तो बदमाश हो रहा हूँ, कल शरीफ था, बिगड़ा हिसाब दिल का, पहले तो ये ठीक था, होश नहीं यार बड़ी मज़ेदार सी ट्यून है और ख़ासतौर पर स्टेप्स मुझे बड़े अच्छे लगे, यूं यूं करके और फिर शेर खुल गए। और ऋतिक का डांस है देखना, हमेशा आंखों के लिए एक ट्रीट होता है। और ऋतिक बहुत स्मार्ट है इसमें, हैंडसम लग रहे हैं एज ऑलवेज़। और इन को और दीपिका को साथ साथ देखना बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये क्योंकि इसमें एयरफोर्स पर सारी मूवी, तो सारे जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी कोई पार्टी कर रहे हैं और एकदम से उनके सीनियर अनिल कपूर भी आ जाते हैं, वो देख के उनको हैरान होते हैं। और मुझे वो ख़ासतौर पे लिरिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, जब शेर खुल गए वाली लाइन आती है ना, तो वो वाली पूरी एक दो चार जो लाइंस हैं वो बहुत मज़े की हैं और उस पर बहुत मज़ेदार डांस हो सकता है पार्टीज़ पर। और बाकी ये कि गाया किसने, जिसने भी गाया, विशाल शेखर का तो म्यूज़िक है, मुझे लगता है विशाल ने गाया भी है। ओके, सो विशाल शेखर ने गाया है, बेनी दयाल, बेनी दयाल, वही मैं कहूँ कि आवाज़ कोई जानी पहचानी लग रही, बेनी दयाल है और
दीपिका के लिए गाया है शिल्पा राव ने। और अगर आप देखें तो इनके साथ जो करण सिंह ग्रोवर भी हैं, जो कि बहुत ड्रामास में इन्होंने आपने इनको देखा होगा, बिपाशा बासु के जो हस्बैंड हैं। और दूसरा ये है कि अक्षय ओबेरॉय भी हैं, वो भी फिल्म्स ड्रामास में आते हैं, साथ संजीदा शेख, वो भी ड्रामा इंडस्ट्री से है। तो काफ़ी सारे लोग आपको देखने मिलेंगे इसमें। ओवरऑल गाना बहुत कमाल है, बहुत सारी पार्टीज़ में चलने वाला है। ब्लैक वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, ऋतिक रोशन ने ब्लैक पहन रखा है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। डांस बहुत कमाल है इसका सारा। तो ओवरऑल कुल मिला के पूरा गाना ही बहुत, एक थम्स अप दिया जाए इस गाने को। बाकी और भी कुछ गाने आए हुए, आप लोग कह रहे थे उसको देखो, डंकी का आया है, ड्रॉप फाइव आया है, तो वो हम देखेंगे मुतीबा के साथ, और जितने भी और गाने आ रहे हैं हम सब देखेंगे। सो आई होप आपको देखने में मेरे साथ अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए फ्रीक्वेंटली हम व्लॉग्स ला सकें। एंड दैट्स इट, इसी तरह आपके लिए नए नए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा।